जी से अपर मुख्य सचिव, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी मंचासीन अतिथियों का। और अब माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जी श्री प्रहलाद पटेल जी से नम्र निवेदन आग्रह कि वे यहाँ आकर अपनी प्रदेश की सभी बहनों को संबोधित करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। आज नाग पंचमी के त्योहार के लिए पहला अवसर है मध्य प्रदेश में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे श्रावण के महीने भर जहां भी वो रहेंगे, और उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को भी कहा है कि वो इस अटूट संबंध को अपने हाथ में वो प्रेम का धागा बंधवाकर अपने सांस्कृतिक संस्कार को और मजबूती प्रदान करें। और इसलिए आज मैं ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री होने के नाते फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कल वो सुपुर में, जहां पर भी हजारों बार रहने उन्हें अपने उनकी कलाई पर अपनी रक्षा सूत्र बांधेगी, और इसलिए इस अवसर पर प्रदेश भर से यहां पधारे सभी हमारी महिला सरपंचों का, बहनों का, उनके साथ आए हुए सभी भाइयों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अपने अनुभव साझा करने के लिए महिला सरपंच आपसे रूबरू होना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच। उज्जैन की कुमारी लक्षिका डागर, उन्हें मैंने मंच पर सम्मान आमंत्रित करती हूँ। आप युवा सरपंच महिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आपने विशेष कार्य किया है, अपने अनुभव साझा करने के लिए कृपया कर मंच पर आए। कुमारी लक्षिका डागर, ये वो महिलाएं जिन्होंने बहुत काम किया है, एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ वो अपने जीवन को समर्पित करना चाहती है देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव को मेरा सादर प्रणाम, साथ ही यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। सामने बैठी मध्य प्रदेश की नारी शक्ति हमारी महिला सरपंच को मेरा सादर सप्रेम स्नेह नमस्कार। आज एक महिला सरपंच दूसरी तो भोपाल से तस्वीरें देख रहे थे। अगली खबर भोपाल की है, जहां नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी के घर पर छापा पड़ा है। भोपाल लोकायुक्त ने पुलिस ने छापा मारा है। लोकायुक्त की टीम स्मार्ट सिटी ऑफिस भी पहुंची। विदेश में निवेश की जानकारी मिली थी, कुछ दिन पहले ही कनाडा से लौटे थे पीके जैन। नगर निगम के रिटायर्ड एसई हैं पीके जैन, उनके घर पर छापा मारने पहुंची है भोपाल लोकायुक्त पुलिस। कुछ दिन पहले ही कनाडा से वापस लौटे हैं, विदेश में निवेश की जानकारी मिली है। नगर निगम के रिटायर्ड एसी हैं पीके जैन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी के घर ये छापा पड़ा है। भोपाल लोकायुक्त पुलिस छापा मारने के लिए पहुंची है। लोकायुक्त की टीम स्मार्ट सिटी ऑफिस भी पहुंची। यहां फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की जानकारी लोकायुक्त की टीम को मिली थी पीके जैन के खिलाफ, और पीके जैन अभी हाल ही में कनाडा से लौटे हैं। नगर निगम में एसी रह चुके हैं पीके जैन। तो भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा है, तस्वीर आप देख रहे हैं। विदेश में निवेश की शिकायत मिली थी पीके जैन को लेकर, और पीके जैन नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी हैं।
रमाकांत दुबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। रमाकांत, और क्या जानकारी मिल पाई इस छापे को लेकर? छापामारी की कार्रवाई जारी है पीके जैन के स्मार्ट सिटी ऑफिस में, जहां वो संभिता पर थे वहां भी एक टीम है, और उनके घर पर जो नया पूरा कोलार में है वहां भी एक टीम जो है लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी कार्रवाई कर रही है। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन अभी कोई जानकारी अंदर से निकल कर नहीं आ रही है। और बताया जा रहा है कि विदेश में निवेश से संबंधित कुछ कागजात भी यहाँ बरामद हुए हैं उनके घर से, और ये जाँच अभी जारी है। और लगभग जो है दो टीमें यहाँ घर पर मौजूद हैं जो एक उनसे पूछताछ भी कर रही है और दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद रमाकांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर भी भोपाल से ही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले विवेक को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हॉकी में ब्रॉन्ज जीता है भारतीय हॉकी टीम ने, और विवेक को अब इनाम देगी एमपी सरकार भी। हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं विवेक, जिन्हें 1 करोड़ मिलेंगे। एमपी के विवेक को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही सीएम ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर से फोन पर बात भी की, वीडियो कॉल किया और बधाई दी। पिछली सरकार ने भी डीएसपी के पद से सम्मानित किया था। टोक्यो ओलंपिक में भी पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे विवेक सागर। हमारी टीम ने हॉकी का पदक जीता है, ओलंपिक में पदक जीतना ये बहुत बड़ी बात है। 52 साल बाद लगातार हमारी की हॉकी की टीम ने पुनः गौरवशाली क्षण लाए, जब दूसरी बार हम पदक जीत रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल पे। मेरी अपनी ओर से सभी टीम को बधाई, और मध्यप्रदेश में ये आनंद दोगुना हो जाता है जब हमारा खिलाड़ी विवेक प्रसाद। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, क्योंकि हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया था, उस टीम का हिस्सा रहे विवेक सागर को ये इनाम देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। वहीं ग्वालियर में दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है, और साथ ही अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर तंज कसा है। पार्टी के कुछ नेताओं को आस्तीन का सांप बताया, नाग की पूजा करो, आस्तीन के सांपों से सचेत रहो, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। और ग्वालियर में ये बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दिया। और नाग पंचमी भी है आज, तो सब लोग नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, ये तो बड़ा बयान दे दिया दिग्विजय सिंह ने। बिल्कुल सही बात है, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने विवादित और जो सुर्खियों वाले बयान है उनको लेकर अक्सर निशाने पर रहते हैं। अभी तक तो वो अक्सर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर रखते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी पार्टी पर निशाना साध दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि आज नागपंचमी का दिन है, जब वो ग्वालियर से लाहौर के लिए रवाना हो रहे थे तो ग्वालियर में अपने कार्यकर्ताओं से और कुछ पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये नसीहत दे डाली कि आप लोग आज नागपंचमी है, नाग की पूजा कीजिए, लेकिन आस्तीन के सांपों से सावधान रहिए। यानी वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं कि अपनी ही पार्टी में जो आस्तीन के सांप हैं उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह के कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये था कि उनकी पार्टी में आस्तीन के सांप भी है और उनकी पार्टी में नाग भी है, तो नाग की पूजा करना चाहिए और आस्तीन के सांपों से सचेत रहना चाहिए। अब ये तो दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं कि उनकी पार्टी में आखिरकार आस्तीन के सांप कौन हैं और कौन नाग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान के बाद निश्चित तौर पर राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान अक्सर। सुशील, आएंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा जी, ये दिग्विजय सिंह का जो ये बयान है, क्या रिएक्शन है उसको लेकर आपका? देखिए, धड़ों और गुटों में बटी हुई जो कांग्रेस है, अब ये न जाने जीतू पटवारी पर निशाना है या उनके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी पर है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर है, पर मूल आस्तीन का सांप देश जानता है। और जिस प्रकार से लगातार षड्यंत्र या टूल किट एजेंडा राजा साहब ने मध्य प्रदेश में देश में चलाने का काम किया है, ये हम सब जानते हैं। और विद्वान नेता होने के नाते मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आज आदिवासी दिवस नहीं है। हमारे आदिवासी जो हैं देश के,
उनके भगवान चामुंडा जी की जो जन्म जयंती है वो जनजाति दिवस के तौर पर मनाई जाती है और मूल निवासी हमारा प्रत्येक भारतीय है, इसीलिए उसे इस दिवस की आवश्यकता नहीं। तो अपने इस प्रोपोगेंडा को, इस एजेंडा को बंद करें और सोनिया गांधी के इशारे पर कम चल के भारत के हित की बात करें। ठीक है नेहा जी, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। सुशील आपका भी शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और वापस रुक करते हैं भोपाल का, जहां सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रानी दुर्गावती पंचायत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है और फॉर्म डालिए, आप जरूर जीतेंगी। मैंने फॉर्म डाली, मैंने 275 वोटों से विजय प्राप्त की और दूसरी पंचवर्षीय मैंने आरक्षित सीट पर विजय प्राप्त की और ये तीसरी पंचवर्षीय है। लगातार मैंने 2005-2010 से मैं सरपंच हूँ और मैं अपने पंचायत में बहुत सारे काम की हूँ, जैसे कि 15 बड़े तालाब, 50 लघु तालाब, उन तालाबों में मछली पालन भी करवा रही हूँ और गेहूं की सिंचाई भी करवा रहे हैं। मतलब पानी की वर्षा नहीं होती तो बरसात के टाइम में धान के लिए मतलब सिंचाई कराई जाती है और आंगनवाड़ी केंद्र, जैसे बच्चों के लिए पहले केंद्र नहीं बनी थी, किसी के घर में किराए से पढ़ाते थे, तो मैंने दिमाग मतलब ये लगाई कि ये बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने 3 आंगनवाड़ी केंद्र आगे पीछे करके मतलब 2010 से अभी तक लेके 3 आंगनवाड़ी केंद्र बनवाई और सामुदायिक भवन, जिसमें अपन गांव में जो आते हैं बारात हो गया और कई सारी ऐसे समस्याएं आती हैं बैठने के लिए, पहले नहीं बनी थी सामुदायिक भवन तो कई पेड़ के नीचे अपन बैठ के ग्राम सभा भी करते थे, तो अब हम मतलब वहां पर बैठ के ग्राम सभा करते हैं और हमारी बहुत सारे समूह की महिलाएं दीदी ग्राम सभा में भागीदारी लेती हैं और जो भी कुछ हूँ मैं आज उन समूह के दीदियों के वजह से हूँ और मैं बहुत अच्छी काम कर रही हूँ। मेरे पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं बचा है, आने वाले समय में कोई भी अगर जनप्रतिनिधि चुनकर आती है उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं है, शेष नहीं है। मैंने पूरी काम करा डाली है और जो भी काम अभी शेष है उनको मैं करा के रहूंगी और आने वाले समय में मैं भी सोचती हूँ सीढ़ी वाइज मैं जनपद अध्यक्ष की तैयारी करूंगी और खूब अच्छा काम करूंगी अपने ब्लॉक और जिला और देश प्रदेश के लिए, ताकि मेरा भी नाम खूब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वरी सिंह गौड़ जी, आपके अनुभव बहुत ही उज्जवल हैं। नारी सशक्त होती है तो देश सशक्त होता है। अगले अनुभव साझा के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ बैतूल से आई हमारी श्रीमती पुष्पलता झड़बड़ी दीदी। सामुदायिक पोषण वाटिका सीएनजी शिक्षा के क्षेत्र में यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता के साथ डिजिटल लेन देन और ग्राम पंचायत में समस्त पात्र परिवारों को शौचालय और आवास व्यवस्थाओं में आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रीमती पुष्पलता झड़बड़ी दीदी। ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं ग्राम पंचायत, मेरा नाम पुष्पा झरबड़े है, मेरा एजुकेशन एमए बीएड एंड बी लिव है। मैं शीतल समूह से सदस्य हूँ, स्व सहायता समूह से जुड़ी हूँ। स्व सहायता समूह के धीरे धीरे गतिविधियों को मैंने महिलाओं के साथ मिलकर उनकी छोटी छोटी गतिविधियों को उनका जागरूक किया है। उन्होंने आज छोटे छोटे काम अपने स्वयं आत्मनिर्भर बने हैं और मैंने ग्राम पंचायत में विकास मनरेगा के तहत उन्हें पोषण वाटिका दिलाई और उन्हें बैठक व्यवस्था के लिए एक भवन प्रोवाइड करवाया है। मैं यह आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ बैठने बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती पुष्पलता झड़बड़े जी। अब मंच पर आमंत्रित हैं सीधी से आई हमारी बहन श्रीमती प्रियंका पनिका। वृद्धा पेंशन, परिवार पेंशन, राशन कार्ड, संबल कार्ड,
और सीसी नाली निर्माण कार्यों में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और अब बात करते हैं एमपी के आउटसोर्स कर्मचारियों की, जिनके लिए खुशखबरी है। अब प्रदेश के 3.25 लाख कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और वीकली ऑफ मिलने जा रहा है। श्रम विभाग ने इसके लिए सभी विभागों, संभाग आयुक्त, कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश की माने तो प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगम, मंडल, बिजली कंपनियों, दुग्ध सहित अन्य विभाग के 3.25 लाख ठेका श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, पीएफ और वीकली ऑफ सहित सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर कंपनी निर्देश ना माने तो कर्मचारी कोर्ट जा सकेंगे। और आइए अब देखते हैं टॉप 20। ओलंपिक में हॉकी